बाबा ने कही बेटा उत्साह, उनने पीछे मुड़कर देखो बाबा नल से अंदर गया। शाम इसके बाद मैया नल से अंदर चले गए, इसके बाद वो संत घूम गायब हो गए। अच्छा, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर थे। इसके बाद उस संत ने कहा इनको स्नान कराए और वस्त्र धारण कराए, और ये कहा ये मुर्दा है इसको शमशान जाने दो। बोले इनको अब कोई फायदा नहीं आप लोगों को रोकने से, आज किसी भी हालत में आज ही सती हो जाएगी, इसलिए आप लोग कथा परेशान है, हाल ही उनके लिए जल आओ, गंगा जल से उन्हें स्नान कराओ, मैया ने वस्त्र धारण करे। अब मैया की फिर इच्छा भाई जब हम संत से मिलो जाती है। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधे श्याम पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सती हरदेवी की कथा बताने वाला हूँ, जो कि बरसाना और वृंदावन के बीच में पड़ता है ये मंदिर, और इस भव्य मंदिर के आज आपको दर्शन कराऊंगा मैं। जो है अभी पूजा भी कर रहे हैं सुबह की। अभी दूसरी तरफ चलते हैं मंदिर की, एक बार इनके दर्शन कर लीजिए।
केसर बख्शी ऊपर से झालर घंटा। हम तो आपको बताया, हम तो कानपुर साइड के, हम तो हमें तो यहाँ 10-12 सूबे हैं। अच्छा, जाते आते नहीं, यही रहते हैं। आप रहते हो? हाँ, 10 साल से नहीं रहते हैं। मैया की सेवा, मैया ने हमें इतनी दूर से बुला लिया। आप भी इधर ही रहते हो? आप भी इधर ही? आप कहाँ रहते हो? इधर ही? अच्छा, ऊपर ही रहते हो। बढ़िया, डेली करते हो हवन? बढ़िया। करो ये बच्चा कहते बोले ना, जिद पे अड़ गई नहीं गया। जब उनकी वो सजा के लाई गए विमान, तो मैया पीछे से आई और आए गए हैं, आए को चिता पर बैठ गए। जब चिता सजाई गई तो कोई वो बैठ गई और सब रंग लो उन्हें और बोले कि आगे लगाए दो। अब ये बताओ भैया, को आगे लगाए दे? जिंदा आदमी, जिंदा लोग को कोई जला दे भाई? कोई वो तो राग है नहीं, हाल कानून के सिकंजे में। और वैसे भी सती प्रथा पर रोक थी, राजा राम मोहन राय ने उस समय कानून बनवाया था इसके लिए, क्योंकि पहले सतियों को लोग उस तो स्वेच्छा से हो रही थी, कोई जबरदस्ती करते थे, जबरदस्ती होने लगी थी, तो इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया, तो सती प्रथा पर रोक थी। अब काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी, काऊ ने उस समय फोन ऑन तो ज़्यादा आते नहीं, चौकीदार आते कौन कौन, गोवर्धन शुरू से थाना है, प्राचीन पर्यटक स्थल रहा है, तो गोवर्धन को चौकीदार ने जाए खबर कर दी, ऐसी सी बात है, हाल ही फोस आए गो, हाँ फोस के कितनी देर लगे, हाल उन्हें गाड़ी के आए पुलिस की आदत हो, देखो हम आए घर का, ओ आपके घर का, उन्हें तो एकदम मोबाइल से ताव मिलने लखन गया, जो रखी थी फेंकने लगे, पता नहीं उसके क्या समझ में आई, तो ठाकुर जी जाने हो जाए। वहाँ ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वायरलेस पे गेंद दाप के मैसेज दे दो, पल्सों में ऐसी ऐसी घटना और जनता बहुत है, कोई अपनी घटना ना हो जाए, इसलिए प्रशासन हमें फोर्स मुहैया करवाए। भीड़ तो आती, जनता ही जनता दिखा रही थी, फिर आएगी पी एस सी मथुरा से, पी एस सी आएगी वो लाठी पब्लिक चतर बदर कर दिए, पब्लिक और भड़क गई। जब पब्लिक भड़क गई तो हेमा सक्सेना एसआई थी, क्या नाम है? हेमा सक्सेना, हेमा सक्सेना एसआई थी, एसआई वो बहुत बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी महिला थी। उसने मैया को समझाया, ऐसे सती नहीं हुआ जाता है, आप पहले गुरु करो, आप क्या है वृंदावन पड़ोस में, वृंदावन चलो। मैया ने उनकी भी नहीं सुनी, तो बोले ऐसो करो, सती हो रही हो तो अपने पति की परकम्मा को लगाओ, सती हो रहे हो तो। मैया को ये बात अच्छी लगी कि कहीं जाना भी नहीं है, अब यही सब काम हो जाए। मैया ने उनको लिटा दिया और आप उसकी चिता की परकम्मा लगाने लगे। प्रशासन इतना था, एक बार चिता से उतर आई, प्रशासन ने उसको इतनी तरह से गल लिया कि दोबारा मैया को इतनी गुंजाइश नहीं रही कि दोबारा वो वहाँ चढ़ पाए। उस समय मैया को बड़ा सदमा, मैया को सदमा सा लगा, तो मैया वहीं अच्छी धमकी जैसी गिरी है, उसकी पुलिस महिला पुलिस थी साथ में, उठा खाली जीप में रख लो और पेट बनो यहीं तक पहुँचे हुए, मैया घुस आ गया। अच्छा, हाँ मैं एकदम सदमा लगा उस समय, बोल रहे छाप खाई। इसके बाद प्रशासन उनको मथुरा ले गया, मथुरा में जाके जिला हॉस्पिटल, वहाँ ने बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन मैया बेहोश नहीं, ऐसी बनी रही। फिर डीएम साहब को मैया ने अपना परिचय दिया है, अब किस रूप में दिया है ये तो वही जानते थे। अच्छा, उन्हें परिचय अपना दिया, क्योंकि एक उनका यानी कि उनको लड़का आ तो उनके मैसेज आओ तो बीमार होकर कोई पता ही नहीं चला, तो मैया वो डीएम साहब समझ गए, तो डीएम कोई अस्खुदा नहीं बनाया जाए, पूरे जिले का मालिक होता है, बहुत बुद्धिजीवी होता है, जिसका सिलेक्शन इसमें होता है, वहाँ ना तो रिश्वत चलती है, वहाँ टैलेंट काम करता है, अगर आप में काबिलियत है तभी पहुँचोगे। तो भैया उसने जो है यहाँ से लोगों को खबर भेजी, यहाँ से आदमी गए और मैया को मुचलका पर उसने ले गई, सप्तमी के दिन किया, यानी पाँचाई को ले गई, पंचमी छठ दो दिन रही, वहाँ सातए को शाम को मैया आई,
गांव वाले लिवाले ने छोड़ा के पुलिस से, सिपाही पुलिस वाले भी आए साथ में। अब मैया यहीं सामने बोली कि हमें यहीं उतार दो, ये उतार के बोले लाश को कहाँ ले जाए कर। फिर उस पर जो वो उनको उठा के ले गई थी वहाँ से, फिर उनको उसने अग्नि लगाई, प्रशासन ने अग्नि लगा दिया था बेटे के हाथों से, उसने अग्नि लगवा दी। हाँ। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि जितना शरीर मैया से स्पर्श हो गया था पूरे जरा, उस शरीर में ये समझो जैसे अग्नि ये रखा ही नहीं गया, ये बाल आल कुछ भी ऐसे मतलब सेप ऐसे ही रखा रहा शरीर जितना मैया से। बाद में उसको लोग ले गए मयूर पास ले गए वहाँ गई, लेकिन प्रशासन के सामने कैसी चलत है। फिर उसको गंगा जी ले गए, बहरहाल गंगा में भी प्रवाहित नहीं हुआ था, बाद में वही बालू ने उसको बीच धार में छोड़ जाते और नाव नहीं आ पाते और उधर पहले आ जाते किनारे। अच्छा जी। हाँ, मतलब उस जल में नहीं जा रहा था। फिर लास्ट में पंडित ने देखो तो मुझे लोगों ने कुछ कही सुनी हुए क्या कि मैं काय परेशान हो, अरे बालू जब मैं किनारे हो गंगा किनारे खोदो और डाल दो, अभी लोग डाल दो चल गए। साताई के अष्टमी के दिन मैया रात भर तो घर में रही, सप्तमी के दिन अष्टमी को सुबह उठी मैया है नहा धो के, और एक मंदिर है आगे झनकी वाला बोला जाता है, जानकी वाला, झनकी वाला, झनकी वाला महा हनुमान का मंदिर है। अच्छा जी। वहीं आके मैया बैठ गई सुबह। इसके बाद तो फिर जनता जुड़ने लगी है, उसी भीड़ में एक संत आया, बड़े भीड़ जटाएं थी यही इधर पे, इधर ही आए आगे, आगे मंदिर है, मंदिर अड्डा बस अड्डा है, अड्डा से थोड़ी आगे गली पार पे तालाब है, आगे तालाब, तालाब से वो संत आया, उसने उसने पूछी कि क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी जटाएं थी बिल्कुल भूति जारी था। अब बोले संत क्या आपका, तो लोगों ने कही मैया सती हो रही, बोले हम मिल सकत उनसे, हम मिल सकत हो लेकिन पूछे आए हम। अब भीड़ जैसा भीड़ तक जनता आयो संत थी ना, और मैया बैठी वो मंदिर में, तो एक दूसरे के द्वारा उन तक मैया के पास खबर पहुंची, मैया को ये मिले। और उस संत की और मैया की, वो संत कैसे उन्होंने इतनी भीड़ में घुसकर पहुँच गए, बिल्कुल हत्या संत, हाँ अच्छे अच्छे जवान ने उन घुस पा इतनी भीड़ में, और वो संत मैया के पास गए, मैया से उसकी बात हुई है। अब क्या बात हुई देखो, अब भीतर कोई कमरा में बतरा तो धीरे धीरे तो हम आपका सुन पाए हो। इसके बाद उस संत ने कहा इनको स्नान कराइए और वस्त्र धारण कराइए, और ये कहा ये मुर्दा है इसको शमशान जाने दो, बोले इनको अब कोई फायदा नहीं आप लोगों को रोकने से, आज किसी भी हालत में आज ही सती हो जाएगी, इसलिए आप लोग व्यथा परेशान हैं, हाल ही उनके लिए जल आओ गंगा जल से उन्हें स्नान कराओ, मैया ने वस्त्र धारण करे। अब मैया की फिर इच्छा भाई कि अब हम संत से मिलो जाती है स्नान करे एक बार। अब संत तो उन्होंने आसोपास को पता ही नहीं, वो संत को अंतरिदान अब सब जने ढूंढ करे कौन हुए हैं कौन हुए, चूंकि हर तरह कुछ लोगों का तो भक्ति थी, वो बेचारे भगे फिर कुछ लोग जो है तमाश भी न थे, तो हर तरह को आते नहीं, सब लोग कुछ लोग गए तो बता रहे हैं एक वर्ष उनके वो जेठपुरा का है, वो बरसाना से पहले एक पंप है वहाँ, एक हेड पंप लगा है इंडिया मार्ग का, हेडल पंप पंप नहीं है नल लगा। अच्छा। वहाँ एक आदमी ने देखा कि बाबा देव बैठो, सभी ने पागल बने ढूंढे फले दुनिया में बाबा देव बैठो, तो बाबा से कही उन्होंने महाराज जी आपसे माता रानी जो चाह रहे आप ही बैठे, बोले हम शाम को आएंगे, शाम को आएंगे, उन्होंने सोची शाम के उनकी इच्छा, उन्होंने कि बोलो आदमी है बहुत पहलवान टाइप का, तो उन्होंने कि बाबा को उठाए खराब करें हमें आवाज नहीं चलेगा, पहले आदमी मोटा था, पहले मोटो आदमी जो है ताकत अटूट थी उनमें, बाबा जान गए, बाबा ने कही बेटा गुस्सा, उनने पीछे मुड़ कर देखो बाबा नल से अंदर गया। शाम इसके बाद मैया नल से अंदर चले गए, इसके बाद वो संत घूम गायब हो गए, क्योंकि वो स्वयं भगवान शंकर थे और वो केवल लोगों को समझा के शिक्षा दे के चले गए, और मैया को जो भी गुरु मंत्र दे गए हूँ
जो भी दिया हो भगवान ने, मैया आके इसी जगह बैठ गई कि जो मंदिर यहाँ बना है ये बहुत गहराई है, इतनी गहराई है आप देख लो, बल्कि इसमें भी भर हुआ है थोड़ा बहुत, 6-7 फुट यहाँ भर थे मिट्टी का, आके वहीं बैठ गई है। पूरे दिन ऐसी सावन की महिमा से बैठी रही, शाम को 8 बजे मैया और जो भस्मी थी और भस्मी से उठी है और भस्मी को उन्होंने परिक्रमा दी है और आसन लगा के और बैठ गई ऐसे करके और आगे उन्होंने स्वयं प्रकट कर लिया। क्या करा? अग्नि को उन्होंने स्वयं प्रकट कर लिया और सूखी भी शरीर में ऐसे कर लिया तो सूखा ही शरीर जलने लगा जैसे कि दीपक जलता है। अच्छा, अब जनता तो बहुत थी, मेरे परदेशी यात्री चला था, घी संगे रखा थे, का ठाकुर जी की ज्योति जगह भी गए। हाँ। अब लोगों ने देखी तो पहले तो इसमें घी जो परदेशी थी यात्री जो दर्शनार्थी थे ब्रजमंडल के, उन्होंने घी धूप डालो, फिर गांव से जनता इतना घी और धूप यहाँ मैया के दरबार में चढ़ा है कि 6 महीने तक ऐसी ज्योति मेला लगा रहा है यहाँ, गाड़ी वाहन फिर हुए जरे कहाँ कहाँ की जनता आई और ये प्रशासन के सामने का सब है, प्रशासन भी मौजूद था, प्रशासन था मौजूद था, तो ये सब चमत्कार मैया ने इस कलकाल में दिखाया। कलयुग की सती है माँ। और इन्हें देखो, सतियों का एक ही उद्देश्य है कि हम जीवों को शिक्षा देती है कि आप ईश्वर पर भरोसा करें, अगर ईश्वर ना होता तो ये सती ना होती। क्यों? अभी माचिस की तीली सी नेक उंगली जजे तो ऐसे करती हो और वो तो आदमी में ऐसी बैठी रही है रात तक, लेकिन बाद में उनका एक पैर यूं करके आसन से ऐसे हो गया, लोगों ने सोचा ला उसको हम हटा दें, लेकिन वो जलती हुई चिता में उन्होंने उस पैर को फिर आसन लगा लिया और अपने आप धीरे धीरे जैसी वस्त्र बाद में जली शरीर पहले थे। अच्छा, जितना शरीर जलता गया उतना ही और वो अग्नि शीतल अग्नि थी, चूंकि आस पास जो शीतल अग्नि थी उन्हें गर्मी नहीं लगती, तो चिता इतनी भयंकर लोग धूप घी जान रहे थे तो किसी को वहाँ ताप नहीं लगता था बिल्कुल, और मैया के शरीर से वो तेज निकला था ये बाल बिल्कुल सोने जैसी मैया के हो गए थे, जबकि शुद्ध काली थी बिल्कुल, इतने स्वर्ग काली मैया के बाल थे, जिस समय अग्नि प्रकट हुई है उस समय ये सोने जैसे बाल थे, एक दिव्य केसर की बरसात हुई इन गाँवों में, संत और हरियाल की ऐसी ध्वनि आज तक किसी ने नहीं सुनी। वह संत ने इतना बिगुल भूका चारों ओर ब्रजमंडल में आवाज हुई, सब रात में ही पब्लिक, शाम की 8 बजे की टाइम है, 8 बजे की घटना, रात में ही पब्लिक आई है, मतलब चूंकि चर्चा तो कई दिन से हो गई थी, भैया बैठी है मान लो पूरे दिन बैठी रही तो आदमी चलता उन्होंने फलाने गाँव में मैया सती हुई रही है तो चर्चा तो होती, और जब वो ध्वनि पहुंची तो लोगों ने फिर आदमी और पब्लिक उन्होंने की मैया हमें सती हो गई और मैया को सब तरह से दर्शन जो जिस भाव में थे जिनमें भक्ति भाव था उन्हें साक्षात समय चाहे वो यहाँ का जनता हो या बाहरी हो सबको मैया ने साक्षात दर्शन दिए और मैया ने कहना भी बहुत कुछ चाहा है लेकिन भगवान इतनी जनता की किसी ने कुछ नहीं सुना नहीं, मैया ने तो बहुत कुछ कहा है लेकिन किसी ने तो सुनी नहीं इतनी जय जय कार्य में। और ये कितने साल पुरानी बात है वो? ये सन 80 की, सन 80 ये भी युग की है, 1980 में मैया सती हुई है, 40-45 साल, ये भी ज़्यादा, अभी कली की घटना है भाई, कली की घटना भाई, तो कोई ना 100-200 साल पुरानी बात हो, एक महीना बीबीसी लंदन बोला उस टाइम, उस समय बीबीसी लंदन बोल रहा था आज भी भारत में देखो सतियाँ हो गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, सती भारत में ऐसी नारी है जो अभी अग्नि प्रकट करके सती हो जाती है। तो मैया ने ये कलकाल में अभी कल चमत्कार दिखाया है और देखो ठाकुर जी तो हम में है आप सती स्थल गिने चुने हैं, सतियाँ हर जगह नहीं है, ठाकुर जी तो सब में है हम में आप में, लेकिन सती स्थल गिने चुने हैं और पुरानी सतियाँ जैसे राजस्थान में हजार हजार वर्ष हो गए उनको सती, इनके बाद अभी तक कोई सती नहीं, इनसे पहले शायद मुझे राजस्थान नारायणी माता हुई, इनसे पहले नारायणी माता हुई, उस समय राजाओं का राज था
राजे राजवाड़े थे, ये तो अभी की बात है जब तो ये नारायणी माता के बाद इनके बाद एक चमत्कार है नारायणी में भी। नारायणी को ज्यादा पहले थोड़ी हुई है, मैया से पहले हुई है, कहने का मतलब कोई सवाल नहीं है। हां कम से कम 150 राजा राजाओं का सारे मत पूजा है, तो 500 पर ज्यादा पर दे दो। पर एक वहां ऐसा है मैया के नीचे से गंगा निकल रही है वहां पे, अच्छा जी, और 12 मास वो गंगा चलती रही क्योंकि वहां पानी नहीं था, पानी नहीं था वहां, ग्वालियर में सीधा सराय नहीं आई। और ग्वालियर से कही थी कि बोले भैया जो उनने चमत्कार देखो, बोले हम लोग बहुत परेशान, बोले आज चल रहे हैं उस पक्षी संद्रावन बोले चिता से दुर्गा विहार रंग जी के बाजू में बगल में मंदिर है क्या, उसमें उतनी जगह में जल ही जल तमाम पीछे मुड़ के देखना। हाँ पीछे मुड़ के देखना वो भागा, लेकिन उसने सोचा देखेंगे ऐसी बात है जो जहाँ तक वो गया वहीं धार हो गई, फिर आगे नहीं गई। बराबर हम गए हैं भाई, बराबर जल धार निकल रही है, बड़ा दिन और रात चल रही है। अब तो किसानों के बहुत फायदा, वैसे खूब सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई में काम में ले रही है तो एकदम निर्मल पानी निकल रहा है, मीठा एकदम। तो नारायणी माता के राजा रजवाड़े थे उस समय का है, ज्यादा पुरानी नहीं नारायणी माता, नारायणी माता के बाद मैया सती हुई है, इसके बाद तो दोस्तों ये है वही झोपड़ी जहाँ पर सती माता के जो बेटे हैं डेली उनके नाम का हवन करते हैं। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, यहीं पर वो जो है हवन करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सती माता की कथा का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।